आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज हम चलेंगे झारखंड के देवघर, जहां पर भगवान भोलेनाथ के भक्तों को बड़ा उपहार मिला है। असल में यहां बैद्यनाथ धाम और वासुकीनाथ मंदिर के लिए हवाई दर्शन सेवा शुरू की गई है। इसके तहत बाबा बैद्यनाथ मंदिर के अलावा आसपास के तीर्थ स्थानों के दर्शन भी किए जा सकेंगे। सावन के चौथे सोमवार को बाबा बैद्यनाथ के भक्तों को मिला अनूठा उपहार। अब कम समय में ही बैद्यनाथ धाम के साथ साथ त्रिकूट तपोवन की भी सैर कर पाएंगे श्रद्धालु। मंदिर दर्शन के लिए देवघर में शुरू हुई हवाई दर्शन सेवा। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम, जहां इन दिनों कांवड़ियों का मेला लगा है। महादेव के सबसे प्रिय महीने सावन में यहाँ बोलबम की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। रंग बिरंगे कांवड़ में गंगा जल लेकर दूर दूर से भोले के भक्त यहाँ अपने आराध्य को जल चढ़ाने पहुँच रहे हैं। इन सब के बीच अब झारखंड सरकार ने शिव भक्तों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब बैद्यनाथ धाम और आसपास के तीर्थ स्थलों के लिए यहाँ भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है, वैसी ही जैसे केदारनाथ धाम और माता वैष्णो देवी धाम में है। यानी केदारनाथ और माता वैष्णो देवी की तर्ज पर अब देवघर में भी हेलीकॉप्टर के जरिए लोग बैद्यनाथ मंदिर और वासुकीनाथ मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। हेली सर्विसेज जो है झारखण्ड गवर्नमेंट और JFI के सहयोग से महाबोधि एविएशन ने स्टार्ट किया हुआ है, और मुख्यतः तीन जगहों के लिए फोकस्ड है ये, त्रिकूट पर्वत के लिए, देवघर इटसेल्फ के लिए और बासुकीनाथ के लिए। जहाँ से हम लोगों ने इसका शुल्क रखा हुआ है पर सीट का 4200 प्लस GST। हमारा क्या है कि एटलीस्ट 1 आवर के लिए फ्लाइट जो है उड़ना चाहिए, तो एज पर बुकिंग हम लोग टाइमिंग डिसाइड करेंगे। बासुकीनाथ का करीब 20 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस है, तो 10-15 मिनट्स का फ्लाइंग। यात्रियों को लेकर हेलीकॉप्टर देवघर के हथगढ़ मैदान से उड़ान भरेगी और श्रद्धालुओं को आसपास के तीर्थ स्थलों के अलावा और पर्यटन स्थलों की भी सैर कराएगी। इसके लिए अलग अलग शुल्क रखा गया है। अगर आप बैद्यनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं, तो इस सुविधा के लिए आपको प्रति व्यक्ति 4200 रुपए खर्च करने होंगे। इतना ही खर्च वासुकीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए भी करना होगा, यानी वासुकीनाथ मंदिर के हवाई दर्शन के लिए भी 4200 रुपए लगेंगे प्रति व्यक्ति। वहीं अगर आप त्रिकूट तपोवन भी जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 5500 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे। इसमें हथगढ़ मैदान से हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा और बैद्यनाथ मंदिर के साथ आसपास के पर्यटक स्थल त्रिकूट तपोवन, नौलखा घुमाते हुए वापस हथगढ़ मैदान में उतारेगा। बहुत अच्छा है, पहली सावन में ही चलाया जाना था, लेकिन देर से चला, बहुत अच्छा है और बाबा का दर्शन हेलीकॉप्टर द्वारा किया जा रहा है, इसमें बहुत थके श्रद्धालुओं को सुविधा है। सरकार के द्वारा देवघर से बासुकीनाथ दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर योजना की शुरुआत की गई है। इससे जो थके हारे कांवरिया आते हैं, जो 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके, खास करके उनके लिए और जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे श्रद्धालुओं के लिए निश्चित तौर पर ये लाभकारी योजना है। बुजुर्गों के लिए अच्छे से आदमी दर्शन कर सकता है, बच्चे बूढ़े सब भी दर्शन कर सकते हैं, अच्छा योजना है। हेलीकॉप्टर में घुमाने की सुविधा की गई है, वो सबसे अच्छी सुविधा की गई है, ऐसे तो लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। सावन के पावन महीने में भोलेनाथ की नगरी में सरकार की ये पहल श्रद्धालुओं को पसंद आ रही है। हालांकि लोगों का मानना है कि इसमें थोड़ी देरी हो गई है। तो अगर आप भी इस साल बाबा बैद्यनाथ धाम और वासुकीनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं, तो इस हवाई सेवा का लाभ उठा सकते हैं। शैलेंद्र मिश्रा, देवघर, गुड न्यूज टुडे।